सुबह उठी और पैर से भी जैसे जा रहे कि कितना दिक्कत हो जाती है। और दीदी कहते पैर से पूरा पूरा घींच रहा है ना क्या, अब फूल के तो जान नहीं रहे अभी कैसे हो गई, आप लोग देख ही रहे। तो दीदी से लक्ष्मी देवी और सरस्वती दोनों लग गई है वही करने में। मेरी तबीयत इतनी खराब होगी कि कल थोड़ा सा ये क्लिप सुबह का और फिर से आज मुझे लेना पड़ा। सुबह उठे कि अचानक मेरा पैर हाथ पूरा टील खींच लिया, तो फिर दोनों दीदी अच्छी थी कि मैंने आवाज दिया तो दोनों दीदी आई। मतलब हमारा अंश भी है, अंश के लिए भी बहुत सारी केथा बनाई है बड़ी दीदी ये लोग सब मिलके, और अभी जो केथा बना रही है वो मेरी बेबी के लिए है ना दीदी। है नया नया मतलब पुराना साड़ी है जो यूज कर लेते हैं, उसके बाद होता है ना कि साइड में फेंक देते हैं जला देते हैं, ऐसे नहीं करते हम लोग, रख लेते हैं। खास करके हम लोग कॉटन वाला में सोने में भी बहुत नरम होती है, तो उसके लिए दीदी बना रही है। और ये देख सकते हैं अभी दीदी का मेहनत जारी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सावित्री कुमारी ऑफिशियल के बारे में, और इस वीडियो में खास जानेंगे सावित्री जी की डिलीवरी के बारे में और साथ ही साथ उनकी ऑडियंस का क्या कहना है कि डिलीवरी के बारे में। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सावित्री जी के लेटेस्ट ब्लॉग देख के आप भी जान ही गए होंगे कि उनकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, और साथ ही मैंने अभी ब्लॉग भी शेयर किया है जिसमें वो बताती हैं कि गणेश जी के पास वापस आ चुके हैं, और साथ ही साथ वो अपनी ऑडियंस को भी दिखाती हैं गणेश जी के लिए जरूरत के लिए क्या क्या सामान लेकर आए हैं, जिसमें वो उनके लिए खाने के सामान के साथ साथ दवाइयाँ और बाकी अन्य ज़रूरतों के सामान भी लेकर आते हैं। और अब हम जान लेते हैं कि लोगों के कमेंट्स क्या हैं सावित्री जी की डिलीवरी को लेकर। तो सावित्री जी के सब्सक्राइबर्स ने उनको बहुत सारी सलाहें दी हैं जो कि उनके लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। तो एक कमेंट है जिसमें गायनकोलॉजिस्ट हैं वो कहती हैं सावित्री को कि आप बैठकर पोछा लगाइए, ऐसा करने से आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। और भी लोग हैं जो काफ़ी अच्छी सलाहें दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको पोछा या फिर हल्के फुल्के काम करने चाहिए बैठकर, जिससे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो। और एक और कमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि अंजलि ने भी सब काम किए थे लेकिन उनकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुई है। और एक और कमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि सावित्री कोई घर का काम नहीं करती हैं, वो सिर्फ अपनी बहनों से सारा काम कराती हैं और दिन भर बैठी रहती हैं, और अगर ये सब ऐसा करती रहेंगी तो इनकी डिलीवरी कभी नॉर्मल नहीं होगी। और एक और कमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी बीपी काफ़ी हाई है, और जिन लोगों की बीपी हाई होती है और उनके पाँव सूजे होते हैं उनको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। और इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कि आप इनके चैनल पर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और इसी लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार और अपना ध्यान रखें।